अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि लोग क्यों नहीं अपने टॉक्सिक रिलेशंस को क्विट कर पाते, या ऐसी कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स छोड़ने नहीं देते। उसमें 4 से 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर रिसर्च के मुताबिक सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ एनी सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी, कि जो पार्टनर है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, उसके साथ आपकी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। इधर दैट इज़ योर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, फिजिकल डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, कोई भी इस तरह का वे कि आप नेक्स्ट पर्सन के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो कि आप उससे अलग नहीं हो सकते। सेकेंड फैक्टर इज फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी का मतलब ये है कि आप उस इंसान के साथ इस तरीके से अटैच हो चुके हो कि आपके अंदर एक ये थॉट है कि आप किसी और इंसान के साथ अटैच नहीं हो सकते, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट कंट्रीब्यूट के डेट वाई पीपल कांट मूव आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज होप फॉर अ चेंज। जब भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो यू ऑलवेज हैव दिस होप इनसाइड यू कि वो नेक्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, या विद टाइम या विद मिस्टेक्स या विद जो आप जिस तरह से आप उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो उस रिलेशनशिप के अंदर, सो मे बी द टाइम विल कम कि वो चेंज हो जाए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच पीपल कांट मूव आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज लो सेल्फ एस्टीम। वो पर्सन जो टॉक्सिसिटी फेस कर रहा होता है उसकी रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए, या फिर रिलेशनशिप से पहले हो सकता है कि उसकी लो सेल्फ एस्टीम हो, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहा। बिसाइड अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, वो उसकी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग को डैमेज कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट बिकॉज दैट पर्सन हैज़ नो कॉन्फिडेंस ऑन हिज और हर एबिलिटीज, सो मे बी ही कांट क्विट दैट रिलेशनशिप। एंड द लास्ट रीजन के जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है कि लोग अपने टॉक्सिक रिलेशन को क्विट नहीं कर पाते, उसके अंदर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन हो सकता है आपके टॉक्सिक पार्टनर की वजह से, कि वो आपको, आपके मूड को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर यूँ कहें कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से आप उस टॉक्सिक रिलेशन को क्विट नहीं कर पाते।